जैसे आप लोगों को वापस ले ली जाएंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਥਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਨੇ ਆਈ ਥੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਈਏ, ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਬੈਠੀਏ। ਕਿਆ ਹੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਉੜ ਗਿਆ? वीरे, इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है? मैं कल रात से देख रही हूँ, तो मम्मा जी की फिक्र नहीं है क्या? बोटा जैसी तू रहन दे। तो पता नहीं तुम्हारे मन में ये बात कहाँ से आ गई कि मम्मी से पापा जी मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो कुछ भी नहीं है वीरे। मैंने कहा ना तू रहन दे, तेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे को ज्यादा मालूम है। मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, पर मम्मा जी हमेशा कहती है ना कि उनकी दो बच्चे उनकी दो आंखों की तरह है, वो कभी अपनी एक आंख को तो चूज नहीं कर सकती है ना। जस्सी तू नहीं समझेगी, लेकिन मैं सब समझ गया हूँ, तू फिक्र मत कर, सारा स्यापा ना जड़ से उखाड़ दूंगा। लेकिन तू करेगा क्या? तो बस मेरे को ये बता कि तेरे को मेरे पे भरोसा है ना? तू मेरा भाई है, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तो तेरे को आंख बंद करके भरोसा है? हाँ वीरे, लेकिन तू करेगा क्या? आपको पानी में कूदने की क्या पड़ी थी? हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? कमाल करते हो भाई साहब, बच्ची को डूबने देते क्या हम? आप कहाँ थे? आपको होना चाहिए था ना वहाँ पर। कहाँ थे भाई साहब आप? आपका काम है ये। अच्छा चलो, बस करो बस करो, अब ठीक है ना, वो शांत हो जाओ। चलो जस्सी, पानी के इतनी करीब गई क्यों? पत्र को पता ना, अपने में से किसी को तैरना नहीं आता। ओ पापा जी, मैं और वीर जी, वो ठंड लग रही है, घर चलते हैं जी। टैक्सी बुला दो, इतना तो कर सकते हो जी। जी मैं करता हूँ। चलो एक काम करते हैं, जब तक टैक्सी आती है अंदर चल के बैठते हैं। आप बताओ, चल चल। आपको क्या लगता है सुरेंद्र जी, ये सच मुझसे छुपा हुआ? आपको ऐसा लगता हो, लेकिन मुझसे सच कुछ भी नहीं छुपा। आज जो भी हुआ मैंने सब देखा। आप फिर से गलत समझ रही जी। अरे वो तो जोगी जैसी, वो खेल खेल में उनसे गलती हो गई जी। हाँ गलती तो हुई है सुरेंद्र जी, लेकिन आज आज मैंने सब सच देखा, वो भी आपके बेटे की वजह से।
थैंक्स जोगी। ये सब तेरी वजह से है। अब तूने क्या समझ के? हाँ, आज जो भी हुआ सब आपके बेटे की वजह से। आज मुझे आपके बेटे ने एहसास दिला दिया कि आप लोग जस्सी से प्यार ही नहीं करते बल्कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अब देखिए ना, आप लोगों को स्विमिंग नहीं आती थी लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद पड़े। इससे बड़ी बात और क्या होगी? अब और कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं आप लोगों को, प्रूफ हो चुका है। आज आपके बेटे ने वो सच दिखाया है मुझे जो शायद मैं इतने दिनों से देख नहीं पा रही थी। देखिए आंटी जी, आपको ना शायद पता नहीं है लेकिन हमारा जो पूरा परिवार है ना, उसके प्राण जस्सी में अटके हुए हैं। वो आपके लिए होगी जी, वो पराई तेली, पर मेरी मम्मा जी है ना, उनके लिए तो ना वो अपने सगे खून से भी कहीं बढ़कर है। वो कहते हैं ना, माँ बाप को है ना बच्चों में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। गलत कहते हैं, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए फर्क। मेरी मम्मा जी करती हैं, मेरी मम्मा जी जस्सी को मेरे से कहीं ज्यादा प्यार करती हैं, और उन दोनों को अलग करके आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप कल खुद क्लब में आके देख लेना। मम्मा जी आज है ना छुट्टी का दिन है, आ जाना आप लोग, हम लोगों को क्लब लेके। जस्सी है, देख तेरे लिए हलवा बना। ओए तू की कर रही है? ठंड लग जानी है तेरे को, नीचे क्यों लेटी हुई है? अब इधर आ। ओए जब भी पाला फिर ठंडी नहीं लगेगी। की कर रही है कुड़िया तू? है लेटो ना। अरे अच्छा ले दस, की कहना है, है? देख आसमान को, तारे कितने सोने लग रहे हैं ना। पता है मेरी बीजी की कहती थी कि तारे ना हमारे पूर्वज होते हैं। जब कोई अपना, कोई हमारा बहुत प्यारा हमसे दूर चला जाता है ना, हमें छोड़ के, तो वो तारा बन जाता है। वो वाला है ना, वो देख, वो मेरी बीजी है और वो मेरे बाबूजी। मम्मा जी वो ध्रुव तारा है ना, सबसे तेज चमकने वाला। जैसे तेनू पता है ये ध्रुव तारा है ना, ये आसमान पे एक ही जगह रहता है हमेशा चमकता हुआ, और अगर कोई रास्ता भटक जाए या कहीं खो जाए तो ध्रुव तारा उन भटकों को रास्ता दिखाता है। इसलिए तो आसमान पे सबसे इम्पोर्टेंट तारा यही होता है, ध्रुव तारा। मेरा तो ध्रुव तारा मेरे पास ही है। मम्मा जी मैंने हमेशा से आपकी दिखाई हुई राय पकड़ी है, अगर मैं कभी भी लाइफ में कंफ्यूज हो जाऊँ ना, मैं एक बार ही अपने ध्रुव तारा की तरफ देख लूंगी। ओए जस्सी देख, जस्सी वो देख टूटता हुआ तारा, वो देखो देखो वो देख ना। इंजन चिट्टी कर, एक विश मांगी, दिल की आंखें बंद कर, मांग मांग।
क्या मांगा? बताते थोड़ी ना है। ओए, माँ को सब बता सकते हैं। हाँ, माँ से क्या छुपा है? चल बता। मम्मा जी, मैंने हमेशा सोचा है कि बिल्कुल आपकी तरह बनूंगी। जब घर को संभालते हो, हमें संभालते हो, मुझे भी आपकी तरह बनना है। लेकिन आजकल स्कूल में ये सभी बातें चलती रहती है, आगे बढ़ने की, फ्यूचर, करियर। अगर मुझे कुछ और बनना हो तो? हाय जस्सी, देख तू मेरे को पक्का प्रॉमिस कर रही है ना, हैं? क्योंकि इस मामले में ना, मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तरह बने। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी जस्सी है ना, पर आसमान में उड़े, बहुत आगे बढ़े, खूब नाम कमाए, ताकि लोग है ना मेरे को देख के ये बोले, अरे वो देखो, जस्सी की मम्मी जा रही है। सच्ची मम्मा जी, आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? ओए, तू कुछ भी फतेह कर सकती है, बस मन बनाना है तेरे को। मेरा तो मन यही है कि मेरी मम्मा जी मुझ पर गर्व करें, मैंने यही मांगा है। ले, बेस। बच्चे, गर्व तो मैं तेरे पे हमेशा से करती हूँ ना, बेकार में एक विश वेस्ट कर दी तूने। हाँ। वैसे एक बात कहूँ बच्चे, तू देखना तारे टूटे या ना टूटे, मेरी जस्सी है ना जरूर कुछ बनेगी। तेरे विश के आगे ये तारे टूट टूट के बिखर जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.